मुंगेली जिले के लोर में विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा होते ही क्षेत्र में विरोध और इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। लोर में विधानसभा में लोकल बनाम बाहरी प्रत्याशी का मुद्दा अब जोर शोर से गरमाने लगा है। आपको बता दें कि लोर में विधानसभा में वर्तमान वोटर 2,26,734 है, जिसमें सबसे अधिक अनुसूचित जाति के 71,425 वोटर हैं। वहीं दोनों दलों ने अनुसूचित जाति का उम्मीदवार न उतारते हुए साहू समाज से उम्मीदवार उतारे हैं, जिसके कारण विरोध शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष सागर सिंह बैस के 7,000 कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवार का विरोध करते हुए इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ऐसे व्यक्ति को अचानक पैराशूट प्रत्याशी बनाकर लोरमी में उतार देंगे, जिसे न लोरमी का अल्लाह मालूम है न जिसे लोरमी के कार्यकर्ताओं का कम मालूम है, ऐसे व्यक्ति को यदि आप देंगे तो फिर से 2018 का परिणाम आएगा। हताश है, निराश है, सत्ता रही है फिर भी हम लोगों ने दुख झेला है पिछले बार, क्योंकि हमारा नेतृत्व कोई नहीं था, न विधायक था न सांसद था, और स्थिति फिर ये लोग वही बना रहे हैं कि जो है इस बार भी वही हाल होने वाला है। इस बार भी लोरमी कांग्रेस की स्थिति